हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी फ्रॉग टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आपने अक्सर सुना होगा कि भाई ये स्पर्म काउंट को बढ़ा देती है, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होने लगते हैं। कितनी सच्चाई है? क्या ये काम करता है? इसके अंदर क्या कंपोजिशन है जो क्या काम करेगा आपके शरीर में जाकर? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, सो देखते रहिए, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डी फ्रॉग एक ब्रांड नेम है जो कि आता है दोस्तों क्या न्यूट्रीस्नैप्स थेराप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। और इसका प्रमोशन मार्केटिंग कुछ ज्यादा हुआ होगा तो ये डॉक्टर इसको लिखने लगे और बिकने लगा। ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं और महंगा भी है। 10 टैबलेट की मतलब आपको 450 रुपए पड़ती है, और जिसके अंदर जो कंपोजिशन मार्केट में बहुत सारे और भी ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं इसी नाम, इसी कंपोजिशन में। और इसके अंदर सारे मल्टीविटामिन हैं और जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट है। जाहिर सी बात है, वो ओवरऑल पूरी बॉडी को ही अच्छा रखेगा, आपको लोगों को लड़ने की शक्ति देगा, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, वायरस बैक्टीरिया से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये सब तो है ही। दूसरी बात ये दोस्तों, ये प्योर वेज नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि भाई ये प्योर वेज है तो नहीं है, इसके अंदर केमिकल और एनिमल सप्लीमेंट का यूज़ किया जाता है, तो ये भी बताना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि बताया नहीं, तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, वीगन वगैरह हैं तो आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये OTC की तरह यूज़ नहीं किया जाता कि आप मेडिकल स्टोर पे गए और ले लो खा लो, ऐसी गलती नहीं करना है। ये स्पेशल मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल सिचुएशंस में यूज़ किया जाने वाला एक मेडिसिन है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि भाई इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसमें कंपोजिशन में दोस्तों कोएंजाइम Q10 है दोस्तों, जो कि क्या होता है, एक विटामिन ही है जो कि हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है ना। तो कोएंजाइम Q10 है इसके अंदर लगभग लगभग 100 मिलीग्राम। विटामिन D3 है जो कि है लगभग 2000 इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट नहीं जानते तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो वो देख लेना, आप समझ जाएंगे IU का मतलब क्या होता है। इसके अंदर सेलिनोमेथिनॉल क्या है, 40 माइक्रोग्राम, ठीक है, जो कि एक अमाइनो एसिड है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो कि आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है। और चौथा है दोस्तों इसके अंदर क्या, एस्ट्राजेंथाइन जो कि 8 मिलीग्राम है, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंट डाले गए हैं क्वेंटिसेपिनियन, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके पूरा पैकिंग की कि इसके अंदर टोटल एनर्जी कितना होता है एक टैबलेट के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली 1.29 कुछ कैलोरीज होती हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता है, कार्ब्स 0.48 ग्राम होता है। अगर इसके इंडिकेशन की बात की जाए तो देखो भाई, इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज है कि भाई स्पर्म का DNA फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उसको रोकना, DNA फ्रेगमेंटेशन को रोकना। अब आप इसको समझो कि इसका यूज कहाँ किया जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जब भी बच्चा पैदा होता है या जब बच्चा पैदा करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं कपल्स, तो उनको जाहिर सी बात है संबंध बनाना पड़ते हैं, सेक्स करना होता है। तो सेक्स के दौरान स्पर्म आता है पुरुष के शरीर से और महिला के शरीर में जाता है, और वहां पर जाके फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है और वो एक यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, फिर 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। लेकिन इस प्रोसेस में ओवम तक स्पर्म कब पहुंचेगा, तो भाई जो स्पर्म है थोड़े से वीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लाखों करोड़ों स्पर्म्स होते हैं, और अब उन स्पर्म्स की मोर्टेलिटी, इनकी चाल क्या है, वो पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे फेलोपियन ट्यूब तक, वो एक मैटर करता है। दूसरा उनका शेप और साइज कैसा है, वो भी एक मैटर करता है, ठीक है ना। और उनकी संख्या कि वो कितने हैं, ठीक है ना, तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया DNA फ्रेगमेंटेशन की, तो देखो क्या होता है कि कई सारे कारण हो सकते हैं, व्यक्ति के शरीर में बदलाव आते हैं लाइफस्टाइल के चेंजेस के कारण, तो उसके जो स्पर्म है उसके क्रोमोसोम्स, उसके DNA में चेंजेस आ जाते हैं। फिर वो जो क्रोमोसोम है या बोलो स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम उपलब्ध है, मौजूद है, वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता, वो बच्चा बना नहीं पाता, ये कह सकते हैं आप शुद्ध हिंदी में। तो DNA की एक डिफेक्ट आ जाता है जिस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी स्पर्म जरूरी है, तो ये जो डी फ्रॉग टैबलेट है ये यही करती है कि DNA स्पर्म का DNA फ्रेगमेंटेशन को ठीक करती है, ठीक है ना। तो फिजिकल ब्रेक वगैरह हो जाता है DNA के अंदर, वो बहुत लंबा नहीं जाएंगे अपन, डिटेल में हो जाएगा, बहुत डीपली हो जाएगा, फिर वो आपको ऊपर से निकल जाएगा। तो DNA में आए कुछ
चेंजेस को ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। इससे क्या होता है कि भाई कुछ हद तक प्रेगनेंसी होने के चांस को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा यही कि भाई बॉडी के अंदर अगर फैट है ज़्यादा तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ये इसके एक्स्ट्रा यूजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, ब्लड ब्लड प्योरिफिकेशन बोल लो, नर्व्स को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि सब आप जानते हैं ये सब मल्टीविटामिन्स हैं। हड्डियों जॉइंट्स को भी ये इम्प्रूव कर सकता है, उनको मजबूत करेगा। तो यही इसके यूज़ हैं। ये स्पर्म की संख्या को नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है, उसके अंदर मौजूद डीएनए को रिपेयर करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है। डीएनए को ही करता है। स्पर्म काउंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पर्म काउंट के लिए आपके शरीर में जो टेस्टिकल्स हैं उन मसल्स का, उन ग्लैंड्स का स्वस्थ होना जरूरी है, और वो ऐसी बात है वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो हाँ, कह सकते हैं कि जिसका स्पर्म काउंट कम है तो उसके लिए डॉक्टर लिख सकता है प्रैक्टिस के दौरान कि भाई ठीक है, ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये दोस्तों, ये FSSAI सर्टिफाइड होता है, तो इसको गवर्नमेंट ने इसको हरी झंडी दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ सावधानियों को समझ लेते हैं कि भाई क्या है। तो सावधानी ये है कि जब भी आप डीप फ्रैग नाम की टैबलेट को लें तो उसको सूखी और ठंडी जगह पर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों के काम का ये नहीं होता है। और इसको कभी भी ओवरडोज ना लें, ज़रूरत के मुताबिक ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। सोचें कि हम एक दिन में 4 गोली ले लेंगे तो हमारा स्पर्म काउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। अब बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं डीप फ्रैग टैबलेट के। तो देखो, यहाँ पर कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट को मेंशन तो नहीं किया गया, इतना ज़्यादा स्टडीज़ भी नहीं हुई हैं और ना ज़्यादा इतने केसेस आए हैं। फिर भी अपन कह सकते हैं कि भाई अगर आपको इनमें से कोई भी जो भी केमिकल है, सब्सटेंसेस हैं, इनसे अगर एलर्जी है तो आप इसको ना लें, ठीक है। तो एलर्जी वगैरह हो सकती है। डोज समझ लेते हैं, डोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ का डोज होता है 1 OD, ठीक है ना, 1 OD 3 महीने तक, 3 महीने तक बोल सकते हैं, 3 महीने या 4 महीने भी चलाया जा सकता है, एक टैबलेट एक दिन में, सुबह या शाम, जो भी आपको टाइम अच्छा लगता है उस टाइम आप बांध लें और चलने दें फिक्स टाइम पे पानी के साथ खाने के बाद। तो फिर ये आपके शरीर में क्या क्या करने वाला है, आपको इम्यूनिटी देगा अच्छी, स्ट्रॉन्ग ब्रेन और हार्ट को तो अच्छा रखता ही है, इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डीप फ्रैग टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस लेके आने में हमको हेल्प मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।